एसी डब्बे में चले गए थे, मेरे को डीसी ने पकड़ लिया। हमारे डब्बे में ना लड़ाई हो गई थी ने अपना नासिक हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप दोस्तों आप सभी एकदम बड़े होंगे। तो अभी फिलहाल मैं हूँ बेरछा रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रहा हूँ भोपाल, और भोपाल से भी आगे जाना है अपन को। और अभी टाइम की बात करें तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अपनी ट्रेन है 9 बजे के लगभग। अभी अपनी ट्रेन मक्सी में है तो अपन को आज निकलना है भोपाल, और भोपाल के बाद भी आगे भी जाना है अपन को। तो मज़ा ना ले आए ट्रेन की जर्नी में अपन को। तो दोस्तों अपनी ट्रेन आने वाली है, भोपाल जाने वाली है, और अपन ने टिकट ले लिया है बेरछा से। 60 रुपये टिकट पड़ता है अपना भोपाल तक का, और भोपाल के आगे का भी टिकट आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अपना दोस्त मिला था अपन को। Hello. तो हम दोनों जाएंगे साथ में आप भोपाल, तो देखते हैं पानी जैसा मौसम हो रहा है, और अपने पास ना छाता है ना रेनकोट है, तो देखेंगे क्या करते हैं बिना रेनकोट से घूम रहे। हाँ फोन भी गीला हो सकता है अपना, लेकिन फोन की सेफ्टी के लिए रखता हूँ मैं कवर। लेकिन ट्रेन आ चुकी है फाइनली हमारी। तो दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है फाइनली स्टेशन पे, और आप देख सकते हो जिस डब्बे में मेरे को जाना था उस डब्बे में काफी ज्यादा भीड़ है। तो मैं जा रहा हूँ सेकंड क्लास में, जो होगा देख लेंगे। और ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, दौड़ लगानी पड़ेगी फिर तो ट्रेन निकल जाएगी हमारी, क्योंकि हम डब्बा छोड़ कर गए हैं। उसमें घुस जाएगा एसी है, लेकिन एसी में टिक जाएगा तो हमारी ट्रेन निकल जाए फटाफट से। तो दोस्तों अपनी ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, तो हम एसी डब्बे में चले गए थे। तो अभी प्लेटफॉर्म आ चुका है खाली सीन, तो हम चेंज कर रहे हैं, हम जा रहे हैं लोकल डब्बे में। तो हमारे को डर था कि एसी डब्बे में टीसी आ जाएगा और हमारे को पकड़ लेगा, टिकट भी नहीं हमारे पास तो एसी का। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ भोपाल, और मेरे साथ वाला दोस्त था तो उसका पेपर था तो चला गया, उसको भोपाल में ही रुकना था। और मेरे को जाना है महाराष्ट्र नासिक। तो अभी टाइम की बात करें तो अभी बज रहे हैं 11:30 और अपनी ट्रेन है 12:40 पे, और अपन को जाना है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जाने के लिए अपन को सबसे पहले लेना पड़ेगा टिकट, टिकट लेने के बाद अपनी ट्रेन छोड़ेगी अपन को नासिक में, महाराष्ट्र में। 8:20 पे नासिक पहुंच जाएंगे अपन। और यहाँ पे ऐसा लिखा है रेलवे स्टेशन के बाहर भोपाल में कि आप भोपाल आते हैं तो दिल खोल के घूमिए। तो मैं तो दूसरी बार आया हूँ भोपाल घूमने के लिए, एक और बार आया था इसके पहले भी, लेकिन हर बार आता हूँ मैं भोपाल स्टेशन पे और यहाँ से मुझे जाना पड़ता है। पिछली बार मैं अपने घर चला गया था, और अभी मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र। तो भोपाल भी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो फिर कभी आएंगे भोपाल भी, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है ब्लॉग बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी अपन है ना ब्लॉग बनाएंगे भोपाल में। तो अभी ट्रेन में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं सबसे पहले बैठा था एसी डब्बे में, और मेरे पास टिकट है जनरल डब्बे का। फिर उसके बाद मैंने एक स्टेशन बाद एसी डब्बे में से पहुँच गया स्लीपर में, स्लीपर में आ गया टीसी। तो टीसी ने भैया उससे बच के हम निकले वापस से, फिर गए जनरल में, तो जनरल में वापस जगह नहीं मिली, और फिर मैं पहुंचा स्लीपर में। तो स्लीपर में मेरे को टीसी ने पकड़ लिया, 2 बार पकड़ लिया टीसी ने मुझे आज। और टीसी ने मुझे कुछ नहीं बोला, मैंने बोल दिया कि जगह नहीं थी इस वजह से मैं इस डब्बे में हूँ। तो टीसी ने बोला कि आगे वाले डब्बे में चले जाओ, तो टीसी ने मुझे आज छोड़ दिया। और फर्स्ट टाइम था मेरा ये कि टीसी के हाथों में पकड़ा गया। वैसे तो मैं टिकट लेता हूँ, लेकिन जर्नल का लेता हूँ और हर बार बैठता हूँ स्लीपर में, क्योंकि जर्नल में जगह नहीं मिलती हर बार मुझे। लेकिन टीसी के साथ साथ है ना ये ट्रेन के अंदर जो यात्रा करी आज की, वो मुझे याद रहेगी हमेशा, क्योंकि मैंने पहली बार किसी ट्रेन में 4 बार डब्बा चेंज करा है, पहले एसी, फिर स्लीपर, फिर वापस जनरल में। और मौसम काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी धूप निकल चुकी है। जब मैं निकला था अपने घर से, जब पानी गिरा था बेरछा में, और अभी भोपाल में मौसम बहुत अच्छा है, तो अच्छी बात है ये, क्योंकि ना तो हमारे पास छाता है ना रेनकोट है। और अभी चलते हैं अपन टिकट लेने, टिकट लेने के बाद अपन को खाना खाना है, फिर पानी की बोतल बनना है, और फोन भी चार्ज में लगाना है, क्योंकि अपने पास तो पावर बैंक भी नहीं है। यहाँ से नासिक पड़ता है 620 किलोमीटर, तो और 10 घंटे का रास्ता होने वाला है अपना नासिक जाने का। मेरी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और अपनी ट्रेन का नाम है मुंबई छत्रपति महाराज एक्सप्रेस। तो काफी अच्छी ट्रेन है, देखते हैं इस ट्रेन के अंदर क्या होने वाला अपने साथ। दोस्तों अभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं अभी टिकट लेने गया था टिकट काउंटर पे, तो मेरे पास थे 200 के 2 नोट, तो मैंने बोला टिकट बना दीजिए, मेरा टिकट पड़ रहा था 215 रुपए का, तो उनके पास खुलने नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने 200 का नोट खुला कराया, 100 का नोट दिया एक भैया ने, और 250 के दिए। फिर उसके बाद 250 रुपये में से भी उनके पास खुले नहीं थे रेलवे वालों के पास, और उन्होंने बोला कि जाओ और खुले कराओ, मतलब कि ना किसी बंदे की ट्रेन निकल जाएगी 500 का नोट रहेगा, और आप टिकट लेने जाओगे और आपकी ट्रेन में सिर्फ 10 मिनट रहेंगे, और आपको यही बोलेंगे कि आप खुले करा के लाओ। 215 रुपये भी मैं खुले करा के लाया हूँ, होटल पर गया था वहाँ पर मैंने चाय नाश्ता करा, तो खुले हुए हैं। तो अब जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए।
कब जाके मुझे टिकट मिला है। करीबन 20 मिनट मुझे इसके लिए इधर उधर जाना पड़ा, गुल्ले कराना पड़ा, अब जाके टिकट मिला है फाइनली। ये टिकट पड़ा मुझे 215 रुपये का और अपन पहुंचेंगे अब नासिक, देखते हैं कितनी देर में अपनी ट्रेन आने वाली है। हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है। दोस्तों मेरी ट्रेन आने वाली थी जो नासिक जाने वाली, महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन है, वो भोपाल से 6 किलोमीटर एक और रेलवे स्टेशन है भोपाल में, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पे आने वाली है मेरी ट्रेन। तो अभी टाइम हो गया 1:00, 1:50 पे मेरी ट्रेन है, वो मैं फाइनली आ चुका हूँ। भोपाल का जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ से ये स्टेशन पड़ता है रानी कमलावती, 6 से 6.5 किलोमीटर के बीच में। और यहाँ पे आने के लिए आप सभी को ई रिक्शा ऑटो मिल जाएंगे, 80 रुपये लगते हैं यहाँ तक आने के लिए। तो अपनी मुंबई जाने वाली जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है और ये प्लेटफॉर्म नंबर है 3। तो देख रहे हो ये वाला रेलवे स्टेशन ना काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा भी है और पब्लिक भी बहुत कम है यहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये रेलवे स्टेशन। तो अपनी ट्रेन आने में तो अभी है 1 घंटा, तो अपन जब तक खाना खा लेते हैं और पानी वानी भर लेते हैं। दोस्तों मेरी ट्रेन चल रही है 1 घंटा 3 मिनट लेट और हम कब पहुंचेंगे नासिक मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट हो गई है और आखिरी ट्रेन है ये हमारी, तो 5 मिनट में आने वाली है। अभी भोपाल में है और पानी गिर रहा है अभी तो भोपाल में, आप देख सकते हो आधे घंटे से। और भी पक्का डब्बा है सबसे आखिरी में, क्योंकि मैंने लिया है जनरल का टिकट, तो एक सबसे डब्बा आखिरी में और एक है दो पीछे हैं, तो अपन को सबसे आगे जाना है अपने डब्बे के पास। खाना पानी चार्जिंग फ़ोन सब कुछ हो चुका है, बस अपनी ट्रेन आने वाली है और देखते हैं ट्रेन में जगह मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है बैठने के लिए। क्योंकि अभी मैं आया था बेरसा से भोपाल तो बैठने की जगह नहीं मिली मुझे और 2 बार टीसी ने अलग पकड़ लिया, अब देखते हैं। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों। दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है और पानी काफी तेज आ चुका है भोपाल में, देख सकते हो ये आ गई अपनी ट्रेन। तो अपना डब्बा है सेकंड वाला, आगे वाला डब्बा है अपना ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ इटारसी और मेरी ट्रेन बहुत ज्यादा लेट चल रही है, मैं नासिक पहुंचूंगा 12 बजे के बाद और नासिक में अभी पानी गिर रहा है, तो ये बहुत बेकार बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट है और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। भोपाल से मैं निकल गया था करीबन 3:30 बजे के लगभग, तो अभी ट्रेन स्टार्ट होने वाली अपनी थोड़ी देर में, तो 4 बजे मिल लेते हैं उसके बाद देखते हैं। अभी तक 8 बज रहे हैं और अभी तक मैं सो रहा था और अभी फिलहाल मैं उठा हूँ, तो अभी अगला स्टेशन है अपना खंडवा और अभी भी 5 घंटे बाकी है नासिक पहुँचने में। नेपाल से लेके अभी तक खंडवा आने वाला है अगला स्टेशन, मेरे को ट्रेन पूरी खाली मिली है। फिर तो मैं बेरसा से भोपाल आया था तो पूरी ट्रेन में खड़ा खड़ा आया था, लेकिन ये वाली ट्रेन पूरी खाली है, आराम से सोता सोता आया हूँ अभी। तो अभी तो खाना खाने का टाइम हो गया अपना, 8:30 बजे खाना खाएंगे और ठंड काफ़ी ज़्यादा है इधर महाराष्ट्र साइड। तो हमारी जो ट्रेन थी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज एक्सप्रेस, वो सुबह 10:00-11:00 के लगभग हमारी सारी मुंबई जाने वाली ट्रेन निकल चुकी थी, क्योंकि हमारी ट्रेन जो बेरसा से चली थी वो भी 1/2 घंटा लेट थी, इस वजह से फिर मुझे ये मिली है गोरखपुर से लेकर दादर जाती है ये ट्रेन और इसका टाइम है 2:00 से 11:00 छोड़ती है ये दादर। और ये ट्रेन चल रही है 2 घंटे लेट और अभी भी देखो बीच में रोक दिए, बीच बीच में रुक जाती है ये वाली ट्रेन। तो आज तो मुझे इस ट्रेन में ना अभी एक भी टीसी चेक करने नहीं आया, लेकिन उस ट्रेन में ना टीसी 2 बार आ गया था, लेकिन इस ट्रेन में तो 1 बार भी किसी ने टिकट चेक नहीं कराया मेरा। टिकट ले लिया अपन ने और इस बार अपन है ना सही डब्बे में। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और अगला स्टेशन है अपना नासिक, तो चाय ले लिया, अभी तो नींद आ रही थी क्योंकि एडिटिंग कर रहा था, तो यहाँ पे खाने का सामान भी ले लिया थोड़ा बहुत और अभी चाय भी लेते हैं
क्योंकि अगला स्टेशन है नासिक। जब तक अपन को एडिटिंग करनी है, ये ब्लॉग सुबह डालना है मुझे, तो जब से सो रहा था अब एडिटिंग चालू कर देंगे अपन। तो नासिक पहुँचेंगे अपन करीबन 1 बजे तक पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर है जहाँ पर मुझे जाना है नासिक से। तो फ़ोन भी करना पड़ेगा बेर को पहले से, तो अभी तो ट्रेन स्टार्ट होने वाली है 2 मिनट में। तो अभी फिलहाल है ना, हमारे डब्बे में ना लड़ाई हो गई थी सीट के चक्कर में, काफ़ी देर तक दो जने लड़ाई करते रहे, गाली बकती एक दूसरे को और लड़ाई करने लग गए थे। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था हल्का फुल्का, फिर उसके बाद मैं कर नहीं पाया। और अभी अपना यहाँ पे रुकेगा ट्रेन 20 मिनट, तो 20 मिनट में अपन है ना खाना पीना कर लेते हैं कंप्लीट। और यहाँ पे मिल रहा है अंडा पाव, ब्रेड अंडा, मतलब सब अंडा ही अंडे का मिल रहा है, बिरयानी बिरयानी बस मिल रहा है, नॉर्मल खाने में मिल रहा है यहाँ पे इडली डोसा। तो ट्रेन स्टार्ट होने वाली है तो चलते हैं। 3 बज रहे हैं, 3 और मैं आ चुका हूँ नासिक फाइनली।